लव यू ऑल बड़ा इमोशनल हो जाता है हम लोग कई बार मोटिवेशनल सेमिनार देते हैं पर आज मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है ये को देखते हुए जो है वो कहते हैं कोयल अपनी कुक से पेड़ अपने फल से खेत अपनी उपज से और इंसान अपनी सोच और कर्मों की वजह से जाना जाता है और हमारे साथ आज कर्मवीर हैं जिनकी हम स्टोरी सुने मैं दो स्टोरी सुन के काफी मेरे को घुसबाम हो रहे थे देखिए मैं कहीं अपनी प्रेजेंटेशन में कहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल दर इज ओनली वन डिफरेंस कैन एनीबडी टेल में सोच सोच देखिए ह्यूमन एक अगर कुत्ता है ना या बंदर फिर भी स्मार्ट है हम शो बंदर से वालू हैं कुत्ता अगर मैं देख रहा था वॉक कर रहा था वो बोतल से पानी पी रहा था पानी पड़ी थी बोतल वो पी नहीं सकता क्योंकि तो वो गिराएगा तो कुछ होगा उसकी सोच नहीं है एक ही डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स इज सोच और जो आदमी सोच सकता है ना वो कर सकता है आज हमने हमारे से पहले जिन लोगों ने जो सोचा है उसी का आज हम फायदा उठा रहे हैं कि आज एसी में बैठे हैं लाइट में बैठे हैं सब कुछ बैठे हैं और ये सारे चेंजेस बहुत कम टाइम में हुए हैं एक और वर्ड मैंने अभी पीछे कुछ सोचा सुना कि क्रिया और कर्म में भी फ़र्क होता है मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे इसमें हमारे कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ये किया वो किया ये किया वो किया वो क्रिया है वो एक जानवर भी करता है वो एक जानवर भी करता है बच्चों को अपना देखभाल करता है पर कर्म हमारे को इस दुनिया में इस जीवन में मनुष्य के रूप में ही कर सकते हैं अब मैं आ रहा हूँ उस पर कि आज देखिए हमारे पेरेंट्स दे हैव गॉन थ्रू सेक्रीफाइस वी हैव गॉन थ्रू फेज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ मैं अपनी इमेज की बात कर रहा हूँ ये साठ की बात कर रहे थे कुछ डाई लगा के उम्र कम दिखाई जाती है पर हम उम्र कभी छुपाई नहीं जा सकती आई एम एट दैट फेज ऑफ सिक्सटी तो क्या है कि आज की जो जनरेशन है दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ पर कहीं ना कहीं हम उनकी सोच को आज बच्चे बैठे हैं मैं पीछे देख रहा था जब आ रहा था तो उनकी टीचर तो वगैरह हमें उनकी सोच को बढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं स्कूल में भी मैंने देखा है कि एक बच्चा जब डे ड्रीमिंग कर रहा होता है ना तो उसको हम सोच रोक देते हैं कि आपका ध्यान जो है ना वो कहीं और है देखिए डेट रात के सपने तो याद नहीं रहते दिन के सपने याद रखे और दिन के सपने सामने देख के तो नहीं हो सकते ना टीचर कैसे भी हो सकती है तो उसको कहते हैं तो अटेंटिव नहीं है तो उसको पहले दिन पता लग जाता है कि अटेंटिव होने का क्या मतलब है क्या तो टीचर की शक्ल की तरफ देखना लिसन करो ना करो तुम्हारी ऑप्शन है बेटा टीचर की शक्ल की तरफ देखना कैसी भी हो और अच्छी हो केमिस्ट्री की हो तो उसकी तरफ देखते रहो अच्छी बात है वो कहते हैं हादसों के शहर में हादसों से डरता है मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख ये दुनिया बड़ा होने से डरता है हम कई बार उसको घर में ही गिरा देते हैं बेटा तेरे चाचे ने ये किया तेरे पिताजी को तो देख ही ले तू और ये तू कुछ कर नहीं सकता आज का जो यूथ है ना उसको हमारे को ड्रीम कराना चाहिए बहुत बड़ा और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो फेलियर है ना ये वर्ड हमारे को हटा देना चाहिए देखिए वो जो गिरता है ना वही कहीं ना कहीं उठता है गिर गया तो क्या हुआ गिरता वही जो चलता है बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक गलत चीज़ है जो मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करना चाहूँगा ऑल दो मेरी वाइफ आए साथ में ये भी एजुकेशन से है शी इज़ टीचिंग एज फिजिटी केमिस्ट्री इसलिए मैंने केमिस्ट्री का वर्ड बोला था देखिए चौदह साल हम स्कूल जाते हैं चार साल इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं क्योंकि जब हम जाते थे तो बीकॉम भी, भी कुछ करते थे आजकल जो तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको और नजर से देखा जाता है कि इनको कहीं एडमिशन नहीं मिला तो शायद आर्ट्स में आ गए ऐसी कोई बात नहीं होती चार साल कॉलेज और दो साल एम भी अब जरूरी हो गई तो कितने साल हो गए बीस हाँ अच्छा बोला किसी ने मैथ के स्टूडेंट भी बैठे कोई बात नहीं मैं कोई ना कोई अप्रिशिएट कर देता कोई बात नहीं चौदह साल स्कूल और छह साल कॉलेज बीस क्वेश्चन किस में देना पड़ता है आंसर यस या हमारे को कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई नहीं जाती और लाइफ में 20 साल के बाद जब हम पढ़ाई के बाद आते हैं और पांच साल तो दूध पीने की उम्र निकल जाती है पच्चीस साल हो गए पच्चीस साल में हमारे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आई आई वॉज हैप्पी दैट यू हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस कंट्री हमारे कई लोगों ने बहुत देखा भी नहीं सर मेरा यही मानना है कि हमारे को एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सिखाना चाहिए और फेलियर को प्रमोट करना चाहिए देखिए कोई भी आदमी फेलियर के बिना कभी भी सक्सेसफुल होता नहीं है फेलियर को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे और इस स्टेज हम फेलियर को प्रमोट कर सकते हैं यूएस में अगर आप जाएं और एडमिशन ले अगर फेलियर हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम लोग आज भी कोई अगर कहीं फेल हो जाता है या कुछ हो जाता है उसको एक नजर छोटी नजर से दे, देखते हैं कि ये जो है ये जो है फेल हो गया कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए और आज इसीलिए इंडिया में स्टार्टअप्स नहीं हो रहे हम जितना मर्जी फंडिंग करते हैं कुछ करते हैं पर स्टार्टअप नहीं हो रहे क्योंकि कहीं ना कहीं कही, सोसाइटी में जो फेल होता है हम उसको कहते हैं नहीं नहीं मेरे को पहले ही पता था इसने तो कुछ करना ही नहीं है और लास्ट में मैं बोलूँगा जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है ज़िंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है फ़र्क सिर्फ इतना है कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है मैंने स्कूल कॉलेज में वही किया हर पल में प्यार है हर लम्हे में जिंदगी है जी लो तो जिंदगी है और खोदो तो यादें हैं तो जिंदगी आज पूरे अपने जियो जैसे भी जियो अच्छी तरह जियो और हर किसी के लिए आज अपॉर्चुनिटी है कुछ ना कुछ करने की खाली ये नहीं कि जो आईआईटी आईएम जाते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं मैं अपना एग्जांपल देता हूं मैं थ्रू आउट सेकंड क्लास सेकंड रहा हूं थ्रू आउट सेकेंड क्लास सेकेंड खाली एक ही मैंने में डिप्लोमा किया था मैनेजमेंट का उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने मेरे को फर्स्ट डिवीजन दी मेरा दिमाग वही है, वही था, मैंने बीएससी करी मैं डॉक्टरी के लिए अप्लाई किया वहां तो हुआ नहीं फॉर्चुनेटली मेरा वेटरनरी डॉक्टर के लिए भी नहीं हुआ कुछ जानवरों की अच्छी किस्मत थी तो थैंक यू वेरी मच मेरा यही है कि अप्रिशिएट करो सभी को फेलियर को भी अप्रिशिएट करो और आज इंडिया में सब कुछ है जैसे आपने कहा वो मेक इन इंडिया की जगह रिमेन इन इंडिया रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा और एक लास्ट में कोई कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके जगह एक और कहना चाहिए कि बेटे को पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटा अगर आपका ठीक होगा ना बेटा अगर आपका ठीक होगा तो रेप नहीं होगा बेटी को पढ़ा के क्या करोगे कितने गार्ड लगा दोगे साथ में उसके बेटी तो फिर भी बाहर जाएगी जाएगी और बेटी आज बेटे के बराबर है तो कहीं ना कहीं बेटे को अच्छी शिक्षा दो जैसे शुरू में बोला था तभी बेटी बचेगी अदरवाइज वो बेटियों को आप बचा के रख नहीं सकते थैंक यू वेरी मच